अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। औरत के ऊपर में थोड़े खाना बनाकर आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहन सोच रही की मौली साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए। आज औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका। निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के। नान माने रोटी, नफका माने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहने रोटी बनाकर आपको खिला दे ये उनका अखलाक है, खाना बनाकर खिला दे ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मेरी माँ बहन गौर से सुनबो, तुमरा बात नहीं करबो, आपसो आपसते बात नहीं करो, बस 15 से 20 मिनट मेरी माँ बहन लेंगे, 15 से 20 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने है ना, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट, वहां की बीजेपी सरकार ने, वहां की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कहकर के ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ, नेपाल में मदरसा खोला, मोहल्ले वाले बैठे बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जे। एक आदमी बोला कि एक टा मौली साहब को मी खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक टा मौली साहब को मी खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक टा मौली साहब मैं मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक टा मौली साहब ती ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ छे, पूछो है बे। तो जा पूछे हो ना उस ये मास्टर की आप पूछने के लिए। माँ को बोला कि माँ एकटा मौली साहबेर खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौली साहबेर नाम नहीं लिबो, चल जा भाग। भाग के आ गया, बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। का भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बाप बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गड़ी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा है? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौली साहब कि किसने भेजा, तो बच्चा बोला मोर दादी भेजिए। रे तोर दादी कंजूस बखील, इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात यह था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी, खीर बना के ओसारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दिए दे मौली साहब खेले बे। उलमाए उम्मती काम भी आए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो, कसम खुदा की ये वो है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो, इनके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशा। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है,
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज्जम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी, सात समंदर पी लो प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौजे कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, तो इंशाल्लाह मदरसा बनाएंगे। मेरे भाई कितने लोग बनाएंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोजा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए इंशाल्लाह, ताकि मेरे 300 रोजे पूरे हो जाए। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, इंशाल्लाह सदका करो, हिस्सा लो, अल्लाह अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई पहला सखी, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह घर तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जो ने 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों के तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टका दिए दो, इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने 10 दुआ करे देवो। या मेरी माँ बहनों, 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने दुआ करे देवो। है मजमे में कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इसाल और सवाब की नियत से इंशाल्लाह। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दोगे अपने पैसे से ना, तो इंशाल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा, इसलिए कि यादला का बदला है। और कुर्बान जाओ, आज जैसा अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी मां के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, 5000 रुपए देने वाला हो। है कोई नौजवान है, मां का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, इंशाल्लाह एक आदमी कोई नौजवान है, नकद है नकद दे दो, नकद ने नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो इंशाल्लाह। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार है माशाल्लाह। भाई मुझे 5000 वाला 5 आदमी चाहिए, अभी तो पहला आदमी तैयार नहीं हुआ, इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह, अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई। देखो ये हवा उधर से चलेगी मेरे रब की तरफ से, मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में उसी का पैसा खर्च होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला। है कोई नौजवान है, हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, कोई मेरी माँ बहन जो 5000 टका देना चाह रही हो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, शोहर के नाम पर, बच्चे के नाम पर, मेरी माँ बहनों अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज आलिमा बना देगा। मेरी माँ बहनों, या तो गले का चैन दे दो, कानर झुमका दे दो, नाके नथिया दे दो, हाके हाथ हाथ कंगन दे दो, पार पाजेब दे दो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी माँ बहनों ये सेवर तुम फिर बना लोगी, लेकिन सुनो माशाल्लाह। हाँ मेरे भाई, ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है, अभी इसी महीने में रांची में प्रोग्राम था हम लोगों का, अब कुर्बान जाओ 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मैंने किया,
1,13,87,886 रुपये चंदा हुआ। 1 करोड़ ये रांची में, ये दिल खराब आदि साहब मौजूद है, 25 लाख तो यही किए, बाकी जो था वो हम किए। लोगो अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मुसलमान हो सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला, एक आदमी तो कम अज कम कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है जो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एक आदमी कोई 5,000 रुपये देने वाला? ये बारसोई की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरा एक भाई तैयार है 5,000 रुपये देने वाला? कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने ए मेरा भाई एक तैयार हुआ दे माशाल्लाह। क्या नाम भाई? भाई को पहचानिए, नाम पूछिए। माशाल्लाह, आइए जरा नाम बता दीजिए आप। आइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। माशाल्लाह, नारा लगा दिए हजरत, थोड़ा सा नारा लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। आइए जरा। माशाल्लाह, हमारे एक हजरत तैयार हुए। अरे भाई रास्ता दे दिया, आने वाले को रास्ता दे दिया, आ रहे हैं। देखिए दो लोग यहाँ खड़े थे जो रुमाल लेके घूमने जा रहे थे, आप लोग यहाँ पर कहाँ गए हो? वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, हमारा पहला भाई ये तैयार हुए, ये 5,000 रुमाल लेके चले जाए। हाँ, माँ बहनों को पिंडाल में रुमाल लेकर चले जाए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताबुन करबो तुम्हारा इंशाल्लाह। 100 टका, 200, 500 टका, 1,000 टका, जतेला पैसा नहीं हो सही घर से, सबला पैसा चादर रुमाल डाले देवो इंशाल्लाह। जब भाई चादर रुमाल लेके घूम जाइए हमारी माँ बहनों को पिंडाल में। अच्छा इंशाल्लाह, मैं इस सौदा को सस्ता करूँ, मैं इस सौदा को सस्ता करूँ माशाल्लाह। 5,000 वाले पहले भाई हमारे, क्या नाम? माशाल्लाह, आफताब अंसारी साहब, माशाल्लाह, कचना के रहने वाले आफताब अंसारी। नारे तकबीर, जनाब आफताब अंसारी साहब, जनाब आफताब अंसारी साहब, माशाल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे नाहिद मिस्त्री साहब मौलाना होंगे, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल करे ना मेरे भाई। 5,000 वाले एक आदमी हो गए। दूसरे नंबर पे मेरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने। अभी भोजपुरी की फरमाइश है मेरे भाई, मैं भोजपुरी सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको। आप लोग दिल से समझ साथ बैठे, जहाँ कहीं आप स्टेज पर आए, माशाल्लाह भाई। दूसरे नंबर पे है कोई 5,000 रुपए देने वाला? दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा चलिए सौदा को सस्ता करें मेरे भाई, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे नौजवानों। ये 1,500 रुपए होटल चाय की दुकान में नाश्ता खाकर, पान गुटखा खाकर को थूक देते होगे, लेकिन आज यहाँ दे दोगे कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में है मेरा कोई भाई? कम अज कम 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। 1,000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई? है कोई नौजवान है जो 1,000 रुपये? देखिए बच्चा आया माशाल्लाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद हसनैन। देखिए माशाल्लाह ये बच्चे ने 500 रुपये दान किया, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई है भाई? 1,500 रुपया देने वाला हो, मदरसा बनाने वाला हो, अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में ताउन करने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत को लुटाने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में अपनी माल को लुटाने वाला हो, अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से 1,500 रुपये देने वाला? अरे भाई है किसी के पास में है 1,500 रुपया है देना चाहते अपने माँ बाप की सालो सबाब के लिए से इंशाल्लाह? इज्जत बचा ली आफ्ताब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ। क्या नाम भाई? अब्दुल रहीम, माशाल्लाह माँ बाप, माशाल्लाह जनाब भाई अब्दुल रहीम साहब। ए माशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपए, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई ये 500 रुपए का जोड़ा लगा दो, कोई है कोई नौजवान है इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। ये 500 रुपए रिजवान साहब आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज में आए, आ जाओ भाई। ये 500 रुपए का जोड़ा लगाने वाला कोई है?
अरे ये 500 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई है इंशाल्लाह, जिसके जेब में 500 रुपये या 1000 रुपया इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी कोई मेरी माँ बन जो 1000 रुपया 500 रुपया खाने बटे दो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम माशाल्लाह जनाब मोहम्मद आबिद साहब माशाल्लाह, देखिए अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपया जो देने वाले वो देकर रहेंगे माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई, ए देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, वाह भाई वाह, जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई माशाल्लाह। रिजवान साहब कहाँ है भाई, आप यहाँ आ जाए। माशाल्लाह जनाब सैरुल साहब 600 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम जनाब भाई? मोहम्मद जैनुद्दीन साहब माशाल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करो भाई। 1500 वाले हैं, 1500 वाले हैं कोई मेरे भाई माशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आया, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सलीम साहब माशाल्लाह, ये 200 रुपये मोहम्मद सलीम। एक नौजवान आया, क्या नाम है? नहीं यारा बेगम, ये दादी के नाम पर ये नौजवान ने 500 रुपये दिया है भाई। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए भाई, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताबुन कर वो इंशाल्लाह तुम्हारा। कुछ कमेटी के लोग यहाँ भी रुमाल घुमा लीजिए, ये रुमाल लीजिए, कुछ कमेटी के लोग यहाँ भी घूम जाइए। हाँ हाँ घुमाइए घुमाइए घुमाइए, यहाँ घुमा दीजिए। जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा भाई, जो अपने हाथ से देना चाहते हैं यहाँ कर दे दीजिए, 100, 200, 300, 400, 500 देना चाहते हैं यहाँ दे दीजिए, नहीं तो चादर रुमाल में डाल। माशाल्लाह माँ बाप के नाम, बीवी के नाम, अल्लाह इनकी। रुमाल लेके घूमिए कमेटी हजरात, मदर रुमाल लेके घूम रहे हैं आप हजरात, दावा फरमाएं मेरी माँ बहने की तरह। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। और कोई भाई मेरे भाई? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेल, हाँ माशाल्लाह जमीर मुंशी मरहूम जमीर मुंशी साहब के नाम पर ऐसा सवन 500 रुपया अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाती। अल्लाह माशाल्लाह हमारी बहन के दान को कबूल करे नो, अल्लाह मरहूमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई आ जाओ आ जाओ, एक बच्चा देखिए फिर 500 रुपये लेके आया माशाल्लाह, जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई माशाल्लाह, जो देने वाला देकर रहेगा। नजमा खातून, हमारी एक बहन नजमा खातून ने 500 रुपये दिया है, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई आ जाओ भाई, पीछे वाले भी आ जाओ, आगे वाले भी आ जाओ, अभी दिल खैराबादी साहब को सुनना है माशाल्लाह। बैठ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर सुना रहा था मैं। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। माशाल्लाह मोहम्मद मंजूर आलम साहब 500 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। तैबा में लागल बाटे, बाबू माशाल्लाह ये नौजवान जनाब मोहम्मद बाबू साहब ने 500 रुपये दिए है, अल्लाह नौजवान की उम्र में सेहत बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। क्या बात है, देखिए एक बच्चे ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी है लाकर। देखिए सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए भाई? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए,
ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोशिश ही नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ मजबूरी अगर हो जाए, आंधी हो तूफान हो वहाँ पर जान का खतरा हो तब आप मस्जिद का रुख कर सकते हैं, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी है। अभी तो लोग मस्जिदों को ईदगाह बना लिए, ये सही नहीं है। आप ईद की नमाज ईद उल अजहा हो ईद उल फितर की नमाज हो ये आप ईदगाह में नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए अल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म कर माशाल्लाह। ए दादी के नाम से नौजवान अजय भाई अल्लाह इस दादी किसके दादी को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। भाई ए इस पन सैया का कोई जोड़ा लगा देगा इंशाल्लाह, है कोई नौजवान इस पन सैया का जोड़ा लगा दे इंशाल्लाह। ए देखिए माशाल्लाह, ए साहब क्या नाम आपका? वाह वाह, की नाम बेटा? मोहम्मद मूसा। माशाल्लाह मोहम्मद मूसा साहब माशाल्लाह, ये नौजवान ने जोड़ा लगा दिया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। हाँ मेरे हाथों में 2-5 सौ रुपये नोट आ गए माशाल्लाह, कम से कम 4 हो जाता। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? ए देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आ गए साइमा खातून। ए माशाल्लाह हमारी बहन साइमा खातून माशाल्लाह, दो दो लेकर गए माशाल्लाह 1000 रुपये। डॉक्टर हजरुल हक साहब माशाल्लाह, देखिए 1000 रुपए दान की हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलदा। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मोहम्मद हलीम साहब, मोहम्मद हलीम साहब माशाल्लाह 500 रुपये। मोहम्मद रुस्तम बाबू 1000 रुपये, रुस्तम बाबू 1000 रुपये, हनीफ साहब 500 रुपये। देखिए एक भाई और आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह 500 रुपये। भाई नाम माशाल्लाह एक भाई ने और 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन। जायज मकासिद को तमन्नाओं को पूरा पूरा कर, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नत। आमीन सुम्मा आमीन। आला साला माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई कोई मेरे बहन बहन 1500 टका दीते पा रहे हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों रमजान इंशाल्लाह। मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत 1000 रुपये माशाल्लाह। मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दान की है, अल्लाह उन दान से कबूल करे नो। अल्लाह मोइनुद्दीन भाई के उम्र में सेहत में घर में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपये देना चाहता हो, मेरी माँ बहनों कोई मेरी माँ बहन है जो 1500 रुपये ताउन करना चाहता हो, 100-200 रुपये 500 रुपये देना चाहता हो, मेरे माँ बहनों अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने शोहर के नाम पर। मेरे भाइयों ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी, इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इस्तकबाले रमजान के लिए 500-1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इस नियत से भी। और साथ ही साथ आखिरी बात मेरी माँ बहनों, रमजान के हवाले रोजे के हवाले से आखिरी बात, रमजान की तैयारी कैसे करें, रोजे की तैयारी कैसे करें। किसी से लड़े हो माफी मांग लेना, किसी से झगड़ा हुआ है माफी मांग लेना, कि कोई तकलीफ पहुंचाया है तो माफ कर देना,
इस दिल से कीना निकाल देना, बुग्ज निकाल देना, हसद निकाल देना, नफरत निकाल देना। इस दिल के अंदर में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुकून कदम ताउन किया, अल्लाह सब के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह सब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह।